टाइम एंड डिस्टेंस के सेकंड पार्ट में देखें, एक आदमी अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ऑफिस की दूरी बताओ। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में कराए थे, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, पहले तो मैं आपको पार्ट वन वाला बेसिक मेथड बता रहा हूँ, और जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है भाई प्लीज वो पहले पार्ट वन देखें उसके बाद ही पार्ट टू देखें। सबसे पहले हमारा बेसिक मेथड, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। भाई ऑफिस जाने की जो चाल है वो 30 है और वापस आने की चाल है भाई 40 है। स्पीड का रेशो 30-40 यानी 3-4, टाइम का रेशो 4-3, भाई डिस्टेंस बन जाती है हमारी 120 यहां पर भी और 120 यहां पर भी। देखें अब ये कह रहा है कि 10 मिनट एक बार लेट होता है वो और एक बार 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो कभी अंतर कितना आ गया 15 मिनट का अंतर आ गया, और यहां पर अंतर कितना आ रहा है भाई, यहां पर अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट का मतलब है 15 मिनट, या यू कहें कि 1 यूनिट का मतलब है 15/7, क्योंकि भाई मिनट में घंटे में करना पड़ेगा, यहां पर 1/4, यानी 1 बराबर 1/4, तो 120 बराबर 120/4 बराबर 30 किलोमीटर। बिल्कुल सेम जैसे पार्ट वन में कराया था मैंने, बिल्कुल ये पहला क्वेश्चन पार्ट टू में सेम कराया ताकि आपको रिवाइज रहे, आप भूले ना। ओके अब इसकी वही वाली ट्रिक, डिस्टेंस बराबर, क्योंकि यहां पे टाइम डिफरेंस ऑफ स्पीड भी है और डिफरेंस ऑफ टाइम भी है, ठीक है भाई, तो याद रखना S1 × S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, भाई वही फॉर्मूला, डिस्टेंस निकाल लिए S1 × S2 30 × 40 कर दो भाई, डिफरेंस ऑफ स्पीड 10 का अंतर है चालों में और डिफरेंस ऑफ टाइम आपका बना था 15 मिनट, यानी अलग 15/7, भाई 4 बार गया, 4 से आपके 10 बार गया, 10 सही गया, डिस्टेंस भाई मेरी आ गई 30 किलोमीटर और भाई इसके लिए मुझे जरा सी भी मेहनत, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन पार्ट वन का, ये मैंने रिपीट ही किया है, सॉरी पार्ट वन वाला क्वेश्चन को ही मैं रिपीट किया पार्ट टू में, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अब थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे सवाल बदलते जाएंगे। अब देखो भाई ये कहता है कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से जाता है। देखो भाई ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को कि 2/3 चाल का सर मतलब क्या है। पहले तो देखो भाई 2/3 चाल का मतलब होता क्या है, भाई देखो 2/3 चाल का मतलब है ये जो 2 है इस चाल से तो वो चला है और जो 3 है इसे हम मानते हैं वास्तविक चाल, यानी ये एक्चुअल स्पीड है, यानी ये कहें ये है उसकी सामान्य चाल, ठीक है, और इससे क्या है वो चला है, बस इतना याद रखना है आपको। अभी कह रहा है कि 2/3 चाल से चलकर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है तो सामान्य चाल से पहुंचने में कितना समय लेगा। भाई अपना वही बेसिक मेथड लगाएंगे स्टडी वाला, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, ठीक है भाई। हम मान लेंगे उसकी सामान्य चाल 3 है, जो उसकी सामान्य चाल है यहां लिखो सामान्य, वो मान ली हमने 3 और जिससे वो चला है वो हुई कितनी 2। अब देखा सर स्पीड का रेशो 3:2 तो टाइम का 2:3, ठीक है, डिस्टेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ना डिस्टेंस को कोई मतलब ही ना डिस्टेंस पूछी और ना फालतू लिखी। ये कह रहा है 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, भाई पहले जा रहा था 2 टाइम में अब जा रहा है 3 टाइम में, कितनी देरी हो रही है इसे 1 यूनिट की, भाई 1 का मतलब क्या है 15 मिनट, उसने पूछा है सामान्य चाल से और सामान्य चाल से चलता है वो 2 टाइम में, तो 1 का मतलब 15 मिनट है तो 2 का मतलब हो गया आपका 30 मिनट, बस यही हमारा आंसर आ गया और इसके अलावा कुछ नहीं करना, 1 का मतलब 15 मिनट, 2 का मतलब
30 मिनट्स भाई, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है इस तरह के सवालों को करने, ठीक है। फिर एक बार ध्यान से देखना आप अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड देखो। ये कह रहा है कि अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर, भाई समझ में ना आए तो घबराना बिल्कुल मत, चीजें बहुत सिंपल है, ऐसी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा हमें इसके लिए, ठीक है। 3/4 चाल से चलकर, तो देखो 4 तो हो जाएगी सामान्य चाल और 3 हो जाएगी जिससे वो चला है, भाई देखो वही वाला स्पीड टाइम, ऐसे लिख दो सामान्य जिससे वो चला है, मतलब सॉरी जो सामान्य वास्तविक चाल है वो आपने ली 4 और जिससे वो चला है भाई वो आपने ली 3, टाइम का रेशो उल्टा कर दो 3/4। अब देखो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, भाई यहां पे टाइम कितना ज्यादा ले रहा है वो 1 मिनट का, भाई 1 का मतलब हो गया 20 मिनट्स, तो भाई 3 का मतलब हो गया आपका 60 मिनट्स, और ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। कुछ भी नहीं किया हमने भाई इसमें भी, बिल्कुल बिना किसी मेथड के, बिना किसी कुछ नहीं लगाया ना कोई फॉर्मूला, ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो रिपीट कर रहा हूं 12 वही क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखो 2/3/4 से चलकर, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस लिखो, सामान्य चाल हो जाएगी 3 और जिससे वो चला है वो हो जाएगी 2, टाइम का रेशो 2:3, 3 घंटे की देरी से पहुंचता है, यहां देरी कितनी हो रही है 1 मिनट की, भाई 1 का मतलब है 3 घंटे, पूछ रहा है सामान्य चाल से कितना समय लेगी, तो भाई 1 का मतलब 3 घंटे है, तो 2 का मतलब 6 घंटे, और बस यही हमारा आंसर आ गया, फोर्थ भी हो गया। तो फिफ्थ देखते हैं, अगला देखते हैं, ये कह रहा है कि एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, ठीक है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी आधे घंटा कम समय में खत्म हो जाएगी। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आधे घंटा कम समय में, यहां पर हो रहा था 4.5 घंटे में, तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर समय का अंतर दिखाई दे रहा है। फिर वो कह रहा है चाल में अंतर देखते हैं एक बार, कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए यानी चाल में भी अंतर है, मान लो उसकी चाल एक बार उसकी x रही होगी, अगले बार उसकी x+5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बात तो आप जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल हमें पता नहीं, हमें चाल को x मान लिया, ठीक है, हमें डिस्टेंस भी नहीं पता, हमें ये पता है कि 4.5 घंटे में तय करते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइम लिखा 4.5 घंटे, तो हमारी डिस्टेंस जो हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी हमारी 4.5x, और फॉर्मूला सबको याद ही है जो ट्रिक बताई थी, या डिफरेंस ऑफ स्पीड दे रखा हो और डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा हो, तो डी बराबर s1 × s2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो कोई पुट करते हैं, एक चाल को हमने x मान लिया, अगली चाल 5 बढ़ गई है तो वो x+5 हो जाएगी, भाई x+5, ठीक है। डिस्टेंस हमने क्या बनाई थी 4.5x, यहां लिख दो 4.5x, ठीक है। डिफरेंस ऑफ स्पीड भाई 5 की है, ठीक है। अब भाई आती है डिफरेंस ऑफ टाइम, भाई पहले 4.5 घंटे में तय करती है, अब आधा घंटा कम लगता है, उसका मतलब आधे घंटे का अंतर आता है चाल बढ़ाने पर, तो आधे घंटे का मतलब हमने यहाँ पे 1/2 रख दिया। अब भाई कैलकुलेशन कर दो, x से x कट गया, ठीक है भाई, और ये 5 × 2 = 10 का गुणा यहाँ पे कर दो, ये हो जाएगा 45 बराबर x+5, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाई ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब अगला देख, हाँ तो छोटा क्वेश्चन देखते हैं, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में पूरा करती है, यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी बताएं।
आप देख सकते वही मेथड एसटीडी स्पीड टाइम डिस्टेंस आधी की है 40 से और शेष आधी की है 60 से, यानी जो स्पीड का रेशो रहा है इनका वो 40-60 यानी 2:3 का रहा है, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 3:2 का, टाइम का हो गया 3:2 का, उल्टा कर दिया। डिस्टेंस यहां बनती है 120 और यहां पर भी क्या बनती है 120, ठीक है। तो इनके द्वारा चली कुल दूरी बतानी है हमें, तो यहां पर कुल डिस्टेंस बन जाती है 240 यूनिट की और कुल टाइम बन जाता है 3:05 यूनिट का, लेकिन टाइम एक्चुअल में है कितना 10 घंटे का। तो भाई 5 का मतलब है 10, 5 का मतलब 10, 1 का मतलब 2, तो 240 का मतलब 480 किलोमीटर हमारा यह आंसर आ गया, ठीक है भाई। 5 मतलब 10 घंटे, 5 बराबर 10 तो 1 बराबर 2 तो 240 बराबर 480 किलोमीटर। देखो मैं इन क्वेश्चंस को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ना तो मेरे पास ना समय है और ना ही आपके पास, एग्जाम डीआरडीओ का जल्दी है और होना ही, रेलवे का होगा ही, थोड़ा लेट हो सकता है। जितना हो सके चीजों को ईजी बनाओ और छोटी से छोटी करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं समझ में आते भाई कमेंट में लिखो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इसी तरीके से और बेहतर तरीके से अगर आपको लगता है तो, ठीक है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज नई वीडियो डालता हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, ओके। हाँ, और जो भी मेरे वीडियोस हैं वो पार्ट के हिसाब से, जिससे फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है उसी तरह आपको देखने, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि मैं क्लास में आपको पढ़ाऊं या किसी और तरीके से, मैं यहां से भी सारा काम कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। COVID-19 का समय चल रहा है, कोरोना का, इसका फायदा उठाओ, घर पे हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ओके, थैंक यू।